तो भाई लोग सभी लोग का स्वागत है आज के एक नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हो टोटो यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग खेलने वाले हैं वापस एक और बार माइनक्राफ्ट, और ये होने वाला हीरो ब्रांड एसएमपी का एपिसोड नंबर 8। अभी जैसे कि आप लोग पीछे की साइड देख सकते हो, मेरा घर जो है पूरा का पूरा टूटा हुआ है, और मतलब उसको मैंने रिपेयर नहीं किया। अब मैंने सोचा कि छोड़ देते, कोई रिपेयर करने की जरूरत है नहीं अभी के लिए, अपन आगे बढ़ते। क्योंकि ना घर में सोच रहा था कि लकड़ी का है, कोई भी आके जला देता था, तो मैंने सोचा कि पूरा घर अपन लोग जो नया बनाएंगे कोबलस्टोन से बनाएंगे, और वही चीज आज हम लोग करने वाले। आज अपन लोग बनाने वाले हैं कोबलस्टोन फार्म। अब तुम लोग बोलोगे कि यार कोबलस्टोन का मकान बनाना है, तुम्हें स्टोन का मकान बनाना है तो यार सीधा कोबलस्टोन लेके आओ ना। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि इतने सारे कोबलस्टोन मिल नहीं सकते कि जिससे एक पूरा घर बन सके। तो हमें एक ऑटोमेटिक अनलिमिटेड कोबलस्टोन फार्म बनाना होगा, जो हमें बारी बारी में 64 64 कोबलस्टोन देता रहेगा, जिससे हमारे एसएमपी के अंदर जितने भी मेंबर है किसी को कोबलस्टोन की जरूरत होगी तो तुरंत वहां से उठा सकता है, और भाई कोबलस्टोन की कमी नहीं होगी। अब जैसे कि इस घर के अंदर ना लोगों को मेरे ऊपर भरोसा होने लगा है, एसएमपी के अंदर सभी लोग मेरे साथ आ चुके हैं। चपाती भाई यहाँ पे कोबलस्टोन अपने कहीं से लेके आते हैं, मतलब तोड़ते हैं, मतलब जगह इधर उधर कहीं पे भी तोड़ देते हैं और कोबलस्टोन लेके आके इधर मेरी चेस्ट में रख देते हैं। इवन डायमंड भी कहीं सारे लोग रखते हैं, किसी ने तो नेदरराइट इनगेट भी इधर रख दिया है। तो एसएमपी में सभी लोग अभी साथ आ चुके हैं, साथ दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक नई शुरुआत यहाँ पे एसएमपी के अंदर हो चुकी है, और वैसे में ईशान भाई ने बोला है कि अज्जू भाई आप एसएमपी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हो, लाइक आप एक पूरा फार्म बना रहे हो कोबलस्टोन का हम सबके लिए, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा एक कोरल लेने के लिए। तो क्या बोलते हो ईशान भाई, आओगे ना कोरल लेने? हाँ भाई, अपने एसएमपी वासियों के लिए, यार सबको पीस लाने के लिए ये सब यार जरूरी चीजें। अपने को कोरल और कोरल चाहिए एक्चुअली, और आइस भी चाहिए। आइस मुझे नहीं पता कहाँ पे मिलेगा। कोरल लेते हैं। कोरल तो भाई मैंने एक साइड, कोरल तो है ना, मैंने एक साइड एक ओशन देखा था, ओके थोड़ा बहुत ही देखा था, मैंने आगे गया नहीं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी तभी किसी की। तो वो ओशन से हम लोग आगे जा जाके देख सकते हैं कहाँ पे कोरल मिल सकता है। ओके ये देखो अज्जू भाई, कुछ याद आया सामने विलेज देख के अपना? भाई ये अपना वही विलेज है ना जहाँ से अपन लोग विलेजेस लेके गए थे वो फार्म के लिए। हाँ तो यही आयरन फार्म के लिए। हो भाई, यही विलेज से हम लोग आगे आगे जाने वाले ये डायरेक्शन में। ओके, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। आपने ओशन देखा तो है ना प्रॉपर, कि फिर रास्ता भूल गए होगे? मुझे गारंटी नहीं, टू बी ऑनेस्ट बोलूं क्या, मैंने सिर्फ देखा काफी ज्यादा पानी, अभी पता नहीं मुझे वो तालाब था या ओशन था, अपने को जाके चेक करना पड़ेगा, उससे ही समझेगा। देखो अगर ये तालाब निकला ना भाई तो वीडियो मेरा फोगट क्या हो जाएगा, इतना याद रखना भाई। अभी वीडियो फोगट नहीं जाना चाहिए, कुछ कर नहीं सकते इस पे। क्या बोलते हो, ये बनवा लेते बोट है क्या आपके पास? मैं तो बोट बना के लाया ना, मैंने उस टाइम पे आपको बोला था बोट बना लो, बोट बना लो। चलो मैं तो बैठ गया, आ जाओ आ जाओ सर। मुझे बनवानी पड़ेगी, लकड़ी भी नहीं है। बाप रे, तुम्हारे पास लकड़ी भी नहीं थी? भाई मैं ऐसे ही बंदा हूँ, मैं लकड़ी हमेशा जाते आते लेता हूँ, बाकी सारी चीजें खुद के पास होती है सर। अरे 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 अरे, बड़े तेजस्वी लोग हो आप तो यार ईशान भाई, आ जाओ। तो भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं ओशन में, जो कि सबसे बड़ा ओशन यहाँ का हो सकता है, और वहां से हमें मिल सकता है कोरल, और वहां से जैसे हमें कोरल मिलेगा ना तो ये एक रेयर आइटम जो हमें चाहिए कोबलस्टोन फार्म बनाने के लिए वो मिल जाएगी। और दूसरी रेयर आइटम का ऐसा है कि वो हमें मिलेगा नहीं। अरे उसका नाम क्या था ईशान भाई, आइस ना? आइस रेयर नहीं है एक्चुअली, वो स्पेसिफिक जगह पे मिलता है, बाकी कुछ नहीं। बट वो जगह ही नहीं पता है ना। देखो सर जी, दोनों भी आइटम रेयर नहीं है, वो स्पेसिफिक जगह पे मिलते हैं। बट पैसे भी की जगह हमें पता नहीं ना, दिक्कत वहां है सर। भाई 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 भाई, कहां दिखा रहे हो तुम, क्या दिखा वो रहे देखो हो? सामने कुछ दिख रहा है आपको? हाँ माउंटेन, हाँ दिखा दिखा दिखा, हाँ माउंटेन दिख रहा है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट है, वो स्नो है। वो स्नो है क्या? वहाँ पे आइस नहीं मिलता, आइस बना सकते लेकिन हम लोग वहां जाके। चलो फिर क्या बोलते हो, चलो उधर चलते फटाक से। आ जाओ, कन्फर्म है ना वहाँ पे बनेगा? हाँ बनेगा बनेगा भाई, इतना आता है मुझे। अरे रे रे रे, मैं तुम्हारे ऊपर फालतू का शक किया ईशान भाई, हमें माफ कर दो यार, मैं एसएमपी वासी की हेल्प करना चाहता हूँ सर जी, और कुछ नहीं। पता है सर जी, इसलिए तो मैं आपके साथ हूँ अभी। एंडा उसके अलावा भाई लोग जितने भी लोग नए हो वीडियो को लाइक कर देना, अगर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर दो, इसी और वीडियो के लिए हम लोग माइनक्राफ्ट के एपिसोड डालते ही रहते हैं इस तरीके के। ये एपिसोड नंबर 8 है आई थिंक, मैंने पहले ही बोला था। आ जाओ अभी ना, अपने को यहाँ से ऊपर चलना है। तुम मेरे को ये बताओ, तुमने अपने बोट को एन्चेंटमेंट किया है क्या? नहीं, क्यों? कोई किसी का बोट इतना तेज कैसे चल सकता है वरना? अरे वो भागने वाला की दबा दो, यहाँ से ऊपर चलना है। तो हम भी दबाया है, हमने भी दबाया है, मेरे को बता। इधर आ जाओ, मुझे दिखा एक जगह पे आइस भी इधर। ओके हाँ, मेरे को दिख गया मेरे को दिख गया मेरे को दिख गया मेरे को दिख गया।
दिख गया ना, इधर ही इधर ही इधर ही है, इधर ही है, देखो ना बीच में रहा। सिल्ट चाहिए तोड़ने के लिए। ओके सिल्ट टच है मेरे पास, मैं लाया था ना, तुमने मेरे को बोला था ये रही फॉर्च्यून 3 तोड़ू की नहीं, सिल्ट टच तोड़ दू क्या? हाँ सिल्ट टच से दो तोड़ दो। ये लो ले लो, मुझे एक मिल गया, आप उठाओ एक। ओके ले लिया, चलो अभी मरना नहीं है भाई। और कैसे बनाएंगे? और बनाते लाइक इधर रुक जाते, थोड़ा बड़ा ये करते ताला को। हाँ करो करो, चलो चलो भाई। और एक विलेज मिल गया भाई, मतलब मैंने ना पहले ही वो देखा, देखा तुमने मेरे को वो सब बताया था ना उस टाइम पे, मैंने वहाँ पे देखा बट मेरे को विलेज नहीं दिखा था। मतलब हमने एक विलेज भी ढूंढ लिया क्या इसी टाइम पे? हाँ विलेज भी ढूंढ लिया हम लोगों। चलो अभी तो एसएमपी वासी खुश हो जाएगा कि नहीं अज्जू भाई ने विलेज ढूंढ के दिया। पीछे पीछे चलो। अरे अरे बीच में ना ये सब वो रहता है ना पानी के अंदर, क्या बोलते हैं वो, दिक्कत देता है। ये स्वैम बायोम है, इसके नीचे ना डायमंड्स काफी मिलते हैं। वो भाई साहब बोलो डायमंड की माइनिंग करे? अभी नहीं बाद में आता है कभी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बाद में कभी आएगी अपन लोग पक्का। ये देखो विलेज, चलो लूट लेते हैं, चलो क्या बोलते। हाँ एक मिनट, अरे सर जी अपने पास कुछ है नहीं ना, मैं सोच रहा हूँ विलेज को अभी गोली मारते हैं, अपना पहले मकसद चेक करते हैं, अपना जो मकसद है ना उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, हम लोग ना बाद में यहाँ पे कभी आएंगे क्या बोलते। हाँ हमें पता लग ही गया है ना, कोऑर्डिनेट का स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को यार कैसा मस्त विलेज है, अलग टाइप का ना। हाँ अलग टाइम का, और कलर देखो ना ये सभी ब्लॉक्स वगैरह का कलर भी एकदम ओपी है, तो मतलब अलग ही लेवल है। तो भाई मैं वही देख रहा हूँ इस साइड पे ना डेजर्ट है, देखो छोटा सा। ओ नहीं यार डेजर्ट बहुत बड़ा बड़ा डेजर्ट है। हाँ यार भाई साहब मुझे अब कॉन्क्रीट मिलेगा मस्त साला, मैं काफी कॉन्क्रीट मैं वो ले रहा हूँ इसका। ओके मैंने F3 से कोऑर्डिनेट ले लिया, कोऑर्डिनेट ले लिया। चलो अपने लोगों में भाई मजेदार, हम लोगों ने एक ही दिन में दो चीजों की खोज कर ली। देखा तुमने, एक नया विलेज एंड ऊपर से हम लोगों ने ये भी ढूंढ लिया, क्या है इसको क्या बोलते, डेजर्ट। डेजर्ट वही तो, डेजर्ट भी ढूंढ लिया भाई। अरे नहीं नीचे नहीं गिरना है। अच्छा भाई बात ऐसी है ना, आपने शायद कभी कोरल देखे नहीं, ओके इसलिए आपको पता नहीं है वो दिखते कैसे। वो देखो डॉल्फिन है, लेफ्ट मैंने देखा है। देखो मैं कहाँ पे डॉल्फिन देखा? हाँ मैंने देख ली। ये ना ट्रेजर की तरफ लेके जाते हैं, बट यार अभी अपने पास ये सब के लिए टाइम नहीं है। एसएमपी काफी ज्यादा अपनी बुरी हालत में, तो हम लोग क्या करते हैं एसएमपी वासियों का ख्याल रखते हुए पहले उनके लिए उनके हित में कुछ चीजें करते हैं। सही बात, वही तो फालतू फालतू चीज नहीं करनी है, मेन वही है। देखो एक डॉल्फिन वहां पे भी है। कोरल मैंने नहीं देखा है, बट कोरल का स्क्रीनशॉट जरूर देखा है, सच बताऊं तो। ठीक है तो आपको बता, यहाँ पे देखो टर्टल से, ये देखो इनका लेना है क्या उसको? आपको हाँ। बाद में समझाता हूँ क्या फायदा इनका। ओके 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 इससे एक हेलमेट बनता है जिससे हम लोग ज्यादा देर तक नीचे रह सकते, तो ले ही लेते हैं ना साथ में। नहीं, 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 नहीं अभी नहीं, उसको काफी टाइम लगता है, मैं बता भी नहीं सकता कितना टाइम लगता है उसको। अरे 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 इतना टाइम लग जाए। कोई ना सर जी आपने बोला होगा तो कुछ कांड ही होगा। मेरे को लग रहा है कि ऑरेंज वाला डेजर्ट का कोई होगा, गरम डेजर्ट। बैडलैंड्स इधर मिलता है, टेराकोटा। टेराकोटा से तो लोग काफी खुश होंगे, इसका भी प्लीज ले लो आप। कोऑर्डिनेट्स ले लो ना। अरे अभी 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 एक चीज नोटिस किया, एसएमपी के अंदर किसी बंदों ने ये चीज नहीं ढूंढी थी, हम दोनों ने मिलकर कितना सारे लोगों को। हाँ वही तो, खास करके मैं अगर तुमको मैं साथ में लाता ही नहीं, तुम्हें बोलता नहीं साथ में आना ऐसा, तो तुम ये ढूंढी नहीं पाते ना कभी। हाँ आपको ही नहीं पता चलता ये क्या चीज है। मैं अरे चिमकांडी भैया तुम तो मेरा ही रोस्ट कर रहे हो। ये देखो भाई ये तो, साइड क्या है भाई, वो क्या है ब्लू कलर का? ये एक्चुअली आइस है, हम लोगों ने खाली बुकट बना ली, उधर आइस इधर ही मिल जाती है अपने को फ्री में, कितनी हाँ। सारे देखो ये सभी आइस है ना, तो ले लेते हैं ना, आ जाओ ना थोड़ा सा ले लेते हैं। इसका क्या करेंगे हम लोग, कुछ जरूरत नहीं इसकी। अरे भाई कुछ ना कुछ काम लगेगा, किसी की चेस्ट में डाल देंगे। आगे चलो पहले कोरल ढूंढते हैं, देन काफी सारा आइस मिल जाएगा आते जाते। ओ वहाँ पे देखो और एक आइस का हुए पूरा, वही तो बोल रहा हूँ, आइस तो मिलती जाएगी। और सर जी ये एक बहुत गलत बात है अपने लिए, क्या आइस जिधर होगी उधर कोरल नहीं मिलता। और बाकी भाई लोग तुम लोग बताओ कि हमें कोरल लेके कोबलस्टोन फार्म बनाने के बाद कौन सा फार्म बनाना चाहिए जिससे एसएमपी के सभी मेंबर की हेल्प हो सके। तुम्हारे दिमाग में कोई भी आइडिया है कमेंट करो, उस चीज के ऊपर हम लोग काम करेंगे, वो फार्म बनाएंगे ताकि एसएमपी के अंदर सुख शांति बनी रहे, कोई भी किसी के साथ झगड़ा ना करे और काफी सही रहे। तो लाइक भी कर देना, कमेंट जरूर करना, और सभी जितने भी एसएमपी मेंबर है सबको कमेंट करके बता देना कि अज्जू भाई ने बहुत सारी खोज कर ली है एसएमपी के अंदर। भाई ये सामने क्या देख, सामने वो किला है देखो, वही तो डेजर्ट विलेज है। डेजर्ट विलेज है क्या वो? हाँ। मतलब एक और हमने खोज कर ली इस टाइम पे डेजर्ट विलेज। अरे बाप रे, उस पे जाओ मत अभी के लिए। अरे आओ ना यार, एक बार के लिए तो चेक करे। हाँ जाओ 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 जाओ, मैंने तो काफी देखे इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता अभी। नहीं बट यार हम लोगों ने इतनी सारी खोज कर ली है ना, देखो ना आज के दिन तो
चलो इनके इसमें सो जाते घर पे, क्या बोलते? हाँ मिल गया क्या तुम्हें? कहाँ पे? आजा आजा आजा, आपको दिख जाएगा तुरंत ही नीचे सामने। अरे अरे अरे, लाइट हो रहा है ना? कलरफुल है। मेरे को भी दिख गया, पानी का कलर भी चेंज हो गया। हाँ पानी का कलर चेंज हुआ। आ जाओ। तो गाइज हमें सफलता मिल चुकी है, हमें मिल चुका है हमारा कोरल वाला लोकेशन, और यहाँ से हम लोग उठाने वाले कोरल और उसके साथ हम लोग उसका यूज करके ही अपन लोग बनाने वाले ऑटोमेटिक अनलिमिटेड कोबलस्टोन फार्म, बिकॉज उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोबलस्टोन फार्म को बना सको। तो भाई ये चीज एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, तो देखते रहिए। जाना है क्या पानी के नीचे? हाँ इधर नीचे जाना है। आ जाओ तो छोड़ो फिर बोट को। बहुत सारी चीजों को फेंक भी दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी सास से जाने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ऊपर आ जाओ ना तो। अरे उसका कोई इशू नहीं है, वो तो ऊपर चले ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मैं काफी देर तक वैसे सांस ले पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे, बट ले पा रहा हूँ। ओ अच्छा इसी बात है क्या? अरे अरे ऊपर आ, सांस ले ले भाई पहले। ओके मैंने सांस ले लिया है। अभी ना मेरे को ना थोड़ी बहुत चीजें निकालनी होगी क्योंकि मेरे पास ना फालतू चीजें बहुत ज्यादा है, उस वजह से ना कोई चीज उठा नहीं पा रहा है बंदा। फेक दो। ये उठा लू क्या? क्या ये गुलाबी कलर की चीज क्या होती है? वो सब कोरल से। ओके अलग अलग कलर के सब। अपन को कौन से कलर का चाहिए? कोरल कलर का कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, बस कोई भी उठा। कोरल चाहिए, स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, कोरल चाहिए अपन को, कोरल मांगता है। मैंने काफी सारे उठा दिए। मैंने भी सेम। और जो सी पिकल्स दिख रहे हैं आपको, मेरे को लगते हैं चमकते। ये देखो। हाँ। ये आ जाओ जाओ, मैं दिखा दूंगा। ओके भाई नुबड़े हट। ये देखो ये आप। हाँ वो आप। ओके आ गया। ये देखो ये दिख रहा क्या छोटा छोटा? हाँ। सी पिकल तो ले लो ना, उसे चमकता है उसे ले नहीं। अरे मैंने तो ले रखे। आज आज मैंने हटा लिया, मतलब मैं सांस लेने के लिए जा रहा हूँ, सांस लेने के लिए। ओके मैं उठाते हैं, तो ऊपर आ गया। देखो उठाने वाला हूँ, क्या बोलते हो? मैं भी सी पिकल, क्योंकि रात को घर के अंदर उसे मैं उसका यूज करने वाला हूं। डेकोरेशन हो जाएगा इस। इसका भी लोकेशन दे देंगे भाई, मस्त जगह है ये, लोग आएंगे। हाँ। अपने मस्ती करेंगे, क्या बोलते हो? हाँ ईग वगैरह ना मैं पहले तो हटा ही देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। एक क्यों लेके आया अभी तक? नहीं हुआ, चलो तो टेस्ट है ना। ओके चलो, तो गाइस यहाँ पे हमें ना बहुत सारी चीजें मिल चुकी है। हमें कोरल चाहिए था, कोरल भी मिल चुका है, एंड उसके अलावा हमें आइस भी मिल चुका है। तो अभी अपन लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना कोबलस्टोन का जो फार्म है, ऑटोमेटिक फार्म, जिसके अंदर अनलिमिटेड हमें कोबलस्टोन मिलने वाला है। वो काम काज अपन लोग आज करने वाले हैं स्टार्ट, पहले उसके लिए हमें जाना होगा घर। तो ईशान भाई घर की साइड मुड़ता है उतना दूर तक जाएंगे। चलो ओके ओके, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इसके ले लिए, कभी जरूरत पड़ेगी ना। अरे मैं सोच रहा हूँ मैंने वो लिया है, क्या बोलते हैं वाला सेपिकल्स, तो वो उसके घर पे लगा दू, उसकी हेल्प हो जाएगी। चलो सीपिकल लगा के आते हैं। आ जाओ। अगर तुम लोगों को पता नहीं ना तो मैं बता दूंगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले ही फ्लीट भाई ने अपना घर बना दिया है, और ये मॉडर्न हाउस है एकदम ओपी वाला। दो तो बोट रखी हुई है भाई सब। बोट का क्या? देखो ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर आएगा। सीपिकल कैसे रखने होते मैं बता दू आपको। ओके ओके, पानी में ना एक जगह पे आप रखोगे ना, एक जगह पे चार रख सकते हो आप। ओके समझ आप बात को। ओके पानी में ही लगा देने, ऐसे ही खुले में? हाँ पानी में लग जाती। तो गाइस अब हम लोग इधर कहीं पे लगाने वाले हैं शिपिकल से, किधर लगा? अरे ये पानी कहाँ से आ गया? सैंड पे लगाओ। अरे तुमने तोड़ दिया क्या वहाँ पे लगा के? एक मिनट रुको। नहीं मतलब लगने दें ठीक से तो। ओके कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लगा देता हूँ मैं, सोच रहा हूँ इधर ना एक पानी का मैंने। अरे यार पानी का इशू है, क्या इशू है नहीं पता नहीं है, बट थोड़ा बहुत इशू हो रहा है। आई थिंक इतना सही है। अब रात होने का वेट करते हैं, क्या बोलते हो? तो भाई लोग यहाँ पे थोड़ी देर बाद फ्लीट का घर भी जगमगाएगा, बट उससे पहले एक और चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ ऐसी है कि ये वीडियो बन चुका है, आई थिंक मेरे को लगता है एडिटिंग करने के बाद भी अब तक का वीडियो 20 से 25 मिनट जा चुका होगा, और अब तक हमने कोबलस्टोन का फार्म बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो भी स्टार्ट करना है। तो भाई लोग यहाँ पे नाइट हो चुकी है, वो चमक क्यों नहीं रहा भाई? ईशान भाई नहीं चमक रहा है, कैसे नहीं चमक रहा है? प्लीज इसको चमकाओ।
तो भाई लोग अभी अपन लोग आ चुके हैं अपने विलेज पे, विलेज पे मतलब कि हीरो ब्रायन एसएमपी के यहाँ पे, और पीछे की साइड तुम लोग देख सकते हो मेरा घर टूटा हुआ दिख रहा है, आयरन फार्म भी दिख रहा है। अभी ना मेरे को कोबलस्टोन फार्म बनाने के लिए जगह चाहिए थी, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं कोबलस्टोन फार्म बनाने वालों। इस जगह पे हवा में कोबलस्टोन फार्म बनेगा, दूर इसलिए बना है क्योंकि ना साउंड बहुत करेगा, आवाज करेगा तो दूर रहेगा तो बेटर रहेगा। और जो भी फार्म बनाने के लिए चीजें चाहिए वो सभी मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। पहले तो जो चीज मैं वहां से लेके आया था कोरल वगैरह, वो सभी कोरल मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, एंड मेरी इन्वेंट्री खुद की जो है ना वो खाली कर दी है। जो खाना चाहिए वो खाना रखा है, बाकी इन्वेंट्री खाली कर दी है। जैसे कि तुम देख सकते हो शे पिकल से पिकल या जो भी इसको बोलते वो है, वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। और भी बहुत सारी चीजें रखी है, वो बात की बात है। अभी यहाँ पे अपन लोग इसके बारे में बात करें तो जो चीजें अपन को सही में फार्म बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि चेस्ट हो गई, ग्लासेस हो गया, स्टोन हो गया, डर्ट हो गया। स्टोन के देखो कोबल स्टोन से स्टोन बहुत जल्दी बन जाता है, कोबल स्टोन हमें इतनी जरूरत नहीं थी, हमारे पास थे चपाती भाई के, मैंने ले लिए और चपाती भाई ने मेरे को कोबल स्टोन दिए, मैंने उसके स्टोन बना लिए। डर्ट मैंने ले लिए ईशान भाई से, आदि और आदि मेरे पास से मैंने निकाल लिया, मतलब मेरे पास पड़ी हुई थी। पिस्टन जो भी है, पिस्टन का पूरा काम, पिस्टन और रेस्टोन रिपीटर का काम अपने भाई ईशान भाई ने किया है, एंड उसके अलावा टीएनटी वगैरह का भी ईशान भाई ने किया। मतलब ज्यादातर जो काम है ना वो ईशान भाई ने किया है चीजें लाने के लिए, और जो चीजें बनानी थी जैसे कि अपन लोग बात करिए वाला कोबलस्टोन वॉल वो मैंने बनाया है, गेट मैंने बनाया, मतलब 50-50% पे हम दोनों है, मैं और ईशान भाई। तो अभी अपन लोग जो ये कोबलस्टोन फार्म बनाने वाले है ना, अर्जुन भाई ने यही बोला है कि सभी के लिए अपन लोग सभी एसएमपी वासी यूज कर सके ऐसा बड़ा सा कोबलस्टोन फार्म बनाना, सभी अर्जुन भाई ने सभी ने स्मार्टी भाई हो गए, एंड्रू भी हो गए, सबने वही बोला है, अर्जुन भाई कोबलस्टोन फार्म बनाओ, इतना ओपी बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि कोबलस्टोन खत्म ही ना हो, ताकि सभी एसएमपी वासी अपने कोबलस्टोन को यूज कर सके, तब भी घट ना पड़े। मतलब कोबलस्टोन इतने अपने पास होने चाहिए कि जिसकी कोई लिमिट मर्यादा नहीं है। और ईशान भाई क्या बोलते हो, एक बार के लिए सो लेते हैं, कल सुबह में काम स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हो? हाँ भाई आते ही सोना पड़ता है, हाँ जब सो जाते हैं और क्या। तो भाई लोग अभी सो के अपन लोग आ चुके हैं, नई एक सुबह हो चुकी है, और कोबलस्टोन फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं, वरना तुम लोग अभी बुरा मान जाओगे कि अज्जू भाई तुम कब से बोल रहे हो, बट तुमने अभी तक केक भी काम चालू नहीं किया है। तो आज अपन को चाहिए स्टार्टिंग में डट, तो मैं डट ले लेता हूँ क्योंकि नीचे से पहले अपन लोगों को डट लगा के ही ऊपर की साइड जाना होगा। तो ये लिया डट, और चलो ईशान भाई हो जाओ चालू, और क्या इधर करते है ना, इधर की साइड ना, कल तो सर स्टार्ट कर। 1,20,000 कोबलस्टोन मिलने वाले है इसे एक घंटे के अंदर, पता है इससे एक चार हो गए ना, चार पांच छह हो गया, जाना है छह हो गया, देखो रुको मैं भी आता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं नहीं इधर ग्लास लगाओ। तो भाई लोग यहाँ पे हमने काम स्टार्ट कर दिया अभी के लिए, और जैसे ये ना पूरा फुलफिल होता है उसके बाद वापस से मैं कुछ बोलूंगा, ऐसे ना मैं बोल तो रहूंगा बीच में ना कट भी इतने मारूंगा जिससे आप लोग बोर ना हो जाओ, आपको वीडियो देखने में मजा आए। बाय द वे देखते हैं क्या होता है चीजें लाने में ना, पहले तो भाई चीजें लाने में एक दिन निकल गया था, एक दिन नहीं मतलब पहले दिन अपने चीजें लाया, दूसरे दिन काम स्टार्ट किया, फालतूगिरी में करता रहूंगा, तुम लोग बोलोगे जी हाँ इतना भी फालतूगिरी मत करो, उससे अच्छा है कि मैं वीडियो को कट मारूं, क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ ओके चलो कट मारते, और क्या। तो एक बार मैं तुम्हें वापस से ना तकलीफ दूंगा भाई लोग, यहाँ पे कॉर्नर में ऐसे दो दो साइड इसे लगाने का और फिर इधर पानी छोड़ देने का, बट उससे पहले इधर वो कर दिए थे वो गेट लगाना होगा हमें, गेट लगाना होगा हमें, गेट लेके नहीं आया लोल, गेट लेके आते आ जाओ, पानी डाल दो ना, पानी डाल दो, आप डाल दो मेरे पे है नहीं, आई हैव वाटर बकेट डोंट वरी बड़ी, डाल दो एक्स्ट्रा लेके आते हैं नीचे से बकेट, हाँ ऐसे रहने दो ये बकेट हटाओ मत, ये चिमकंड इधर क्यों आया अभी, इसको पता नहीं क्या, नुबड़ा बंदा ये, इसको छोड़ो ये अपने को पहचानता नहीं है, वही तो मैं ये बना देता, मेरे पास वाटर बकेट ही नहीं, सर 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 व्हाट आर यू डूइंग। तो भाई लोग ये बन चुका है हमारा स्टार्टिंग का एक बेस, जहाँ पे पानी इधर बीच की साइड आएगा, ईशान भाई पूरा परफेक्ट कर दो अभी उस साइड से, बाकी हो गया तो मेरी साइड से मैंने बना लिया, अभी ईशान भाई की साइड वो क्लियर कर रहे हैं जिससे उनका हो जाएगा, ये पहला हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी ना इसका ना आपको एंड में पता लगेगा रिजल्ट की, क्यों हमने यहाँ पे पानी इस तरीके से रखा हुआ है, क्यों डाला हुआ है। देखो यहाँ से जो पानी जा रहा है वो सभी यहाँ पे बीच में जा रहा है, देखो इस तरीके से सभी जगह से पानी, एक इस साइड से एरो में तुम देखोगे ना इधर आ रहा है पानी, अगर इस साइड से देखो, अरे पानी का बकेट फेंक दिया, अरे चिमकांडे पानी का बकेट दिया मेरा, ओके तो ये हो गया पानी का बकेट चला ही गया कहीं पे पता नहीं। तो देखो ऐसे मैं इधर इधर खड़ा रहूंगा तो बीच में ऑटोमेटिक जाऊंगा, इसके पीछे एक लॉजिक है वो मैं तुम्हें एंड में दिखाऊंगा, जिससे कोबलस्टोन नीचे की साइड जाएगी, वैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो गाइज यहाँ पे कोबलस्टोन फार्म बनाते बनाते एक दिन हो चुका है कंप्लीट, ईशान भाई नीचे गए क्योंकि हमारे पास बेड है नहीं, तो बेड बना के अभी ऊपर आएंगे फिर अपन लोग ऊपर की साइड ही सोएंगे। और अभी के लिए तुम्हें नजारा देख लो, यहाँ से इतना बन चुका है, बाकी अपन लोग जैसे ही आगे बनता है अपन लोग मिले, एकदम ब्लॉग वाली फीलिंग आ रही है, पता है तुम्हें ब्लॉग बनाते ना
यार आज हम लोग आ चुके हैं टॉयलेट में, वो टॉयलेट में हमें क्या देखने को मिला, कबर्ड, वो माय गॉड, कैसे सो जाते हैं। गुड नाइट बाबू ईशान भैया, गुड नाइट। रीड भाई को गुड नाइट बोल दो। रीड भाई है ही नहीं देखो गेम के अंदर, सो गए। नहीं सो नहीं, सो नहीं रहे, देखो सो जाओ, ऐसा लिखता हूँ ना, सो जाओ। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब गाएंगे मर गया, ला 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 ला। शहर में समझी गयो शे, तमे टेंशन नहीं लेता शे, तो मैं तुम्हारू काम करी ना किसी ओके, तमे खोटे खोटू पिछवाड़े में हड़ी ना करे। ये सब मत बोलो, तुम्हें समझ आता है मैंने क्या बोला वो? हाय आई हैव स्टोन, इफ यू नीड देन पिक अप। कहाँ पे गई? मारो मत नीचे, मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हो भाई। ये ऐसा ऐसा इंसान मेरे को पसंद नहीं है ईशान भाई, मैं बोल देता है, मेरे को खुद को मारेगा। भाई माफ करना भाई। ओके तुमने सॉरी बोल लिया इसलिए जाने दिया, वरना सॉरी नहीं बोलते ना तो दंगे हो जाते भाई, सच बता रहा हूँ। मैं तो भाई दंगे कर देता, फिर तू पिस्तन पिस्तन करती है, तू पिस्तन पे क्यों मरती है, वो वाला गाना सुना क्या तुमने? नहीं भाई ये सब ऐसे गाने हम नहीं सुनते। नहीं तुमने गलत लगाया है वाला, सच दिख गया। नहीं, नहीं नहीं सर तुमसे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी सही तरीके से लगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। भाई कैसे बंदे ये, गलती होती इंसान से। आई एम योर दोस्त एंड वर्स्ट। आप मेरे को अपना दोस्त मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं ऐसा दोस्त नहीं चाहिए मुझे। प्यार मांगा है तुमसे कि हाँ तुम हमें प्यार करो, आ गया मैं। तो भाई लोग यहाँ पे इतनी चीज मैंने कर दी है, ईशान भाई वो लास्ट वाला कर लो उसके बाद देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें ना चार ए बनाने थे, पिस्टन के साथ, ग्लासेस के साथ, जिसके अंदर पानी डालेंगे और ऊपर से लावा छोड़ेंगे, तब होगा इधर तांडव, और वो तांडव देखने में इतना ज्यादा मजा आएगा ना तुम लोगों को। तुम बोलो कि अजी भाई क्या गजब आदमी हो तुम, तो यार एकदम तेजस्वी इंसान निकले रहे, इतना दिमाग आता कहाँ से तुम्हारे पास? तुम्हें बोलेगा यूट्यूब से आता है इतना दिमाग। तो ये हो गया गाइस सीन, तो अभी हमने इतना बना लिया, अभी आगे की चीजें भी बनाने वाले है। ओके ईशान भाई सामने देखो, मुंह नीचे क्यों है? हाँ, क्या देख रहे हो नीचे देख के, क्या देख रहे हो मेरे सामने? बड़े बड़े हैं ना, कुछ कुछ पर्सनल चीजें। या समझा समझा, आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी। तो भाई लोग जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, क्योंकि 25 मिलियन होने वाला है इसलिए मुंह से निकल गया, माफ करना गाइस, बट अगर नहीं किया तो कर देना। 25 मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली जैसे ही होता है, ईशान भाई इधर से कूद जाएगा पानी के अंदर। ईशान भाई कूद जाओ, चलो आज ही होने वाला है, कूद जाऊंगा मैं, कूद जाओगे ना पक्का ना? ओके पहले कूद जाओ, चलो देखो गाइस मैं आपके लिए कूदूंगा साइड में, चलो चलो कूदो आपके लिए, ओके कूदो कूदो कूदो, कहां से कूदना चाहिए? कूदने के बाद, हाँ कूदने के बाद आधा हार्ट जाना चाहिए, आधा खून जाना चाहिए, तभी मान्यता दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी मान्यता। आप साइड हो जाओ ना, मैं भागते हुए जाके कूदूंगा। ओके 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 गाइस, तो सुसाइड कर रहे हैं अपने ईशान भाई, कर दो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो 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 चलो, ओ रे एक हार्ट गया, एक हार्ट गया। लो 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 ले लो खाना, ले लो खाना, ले लो, मैं ऊपर से बेच रहा हूँ खाना, खाना कैच करो, खाना कैच करो ना, केचम केच करते, अरे बढ़ गया क्या? क्या गया भाई? खाना खाना केच करो, मैं हाइट भी बढ़ गया भाई, देने दो। ओके चलो आ जा ऊपर, आ जा ऊपर, आ जा बाद में देखते हैं। अभी देखो सर जी भी पूछता हूं मैं आपसे कि लाइक कौन से साइड से दिखना चाहिए, मतलब देखो कैसा मैं समझाता हूं, ठीक है? ओके बात ऐसी है कि जो टीएनटी गिरेगा वो राइट साइड में चाहिए, देखो मेरे जैसा खड़े हो जाओ, राइट साइड में से गिरना चाहिए या लेफ्ट साइड में से? टीएनटी सच बताओ ना तो लेफ्ट में से, राइट में से गिराते ना वो बेस्ट रहेगा आई थिंक, क्या लगता है तुम्हें? मैं अच्छा दिखेगा अपने एसएमपी के साइड से ऐसा? हाँ राइट साइड से गिरेगा ना तो एसएमपी में दिखेगा ना, तो एक वो एक ओपी वाला व्यू आएगा। तो ये देखो, तो है ना अभी ऐसे ढक दो इसको, ये देखो ऐसे, ओके अपने को राइट साइड करना है इसलिए राइट साइड वाला ब्लॉक भी एक ढकना चाहिए एक्स्ट्रा। डन डन समझ गया, बस सिर्फ इस पे ढकना है, क्या बोलते हैं? हाँ वो तो मैं समझ गया सर जी, वो तो आई नो सर जी, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड योर भावना। तो गाइस यहाँ पे ना मैं फार्म तो बना रहा हूँ, बट फार्म के अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 40% चीजें आती है और 60% चीजें जो है ईशान भाई को आती है, बिकॉज ईशान भाई ने पहले ही एक बार ऐसा फार्म बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बना नहीं सकता, मैं खुद भी ये फार्म तो बना लूंगा, बट 7-8 घंटे लग जाएगी, अगर ईशान भाई साथ में हो गए ना तो 3-4 घंटे में निपट जाएगा। देख रहे हो मैंने तुम्हें बताया क्यों ये चीज यार, ऐसे ऐसे ही मैं सीक्रेट रखता तब भी जलता नहीं ईशान भाई। हाँ भाई ऐसे थोड़ा हवा में उड़ने दो मुझे। अरे 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 अरे, तो भाई लोग यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं अनलिमिटेड पानी के लिए पानी का स्रोत, और जैसे ही अनलिमिटेड पानी का वो बन जाएगा तो अपने बकेट जो है वापिस से भर जाएंगे, वो अनलिमिटेड पानी मिलता रहेगा। चलो हो गया, बीच में हाँ बन गया ना, बीच में से उठाओ, हो गया। चलो अभी सबके अंदर डाल देते हैं ना,
सबके अंदर बस दोनों कॉर्नर्स पे डालना। ओके हाँ मैं समझा, वो तो समझ गया, समझ गया यार। ये तो चालू होने से पहले ही पानी खत्म हो गया, ये एक बकेट से कुछ नहीं होने वाला है, तो कंफर्म हो गया। रुको मैं जाता हूँ अभी नीचे। अरे यार मैं गिर गया नीचे, नहीं मतलब गिरने वाला इस। ओके ये देखो, अरे यार मैंने कॉर्नर में नहीं डाला, गलती कर दी। उठाओ ना। आई नो सर जी हाउ टू प्ले दिस गेम। अरे मेरा बकेट गया, मैं ना होशियारी करने में ही ज्यादा रहता हूँ, पता है सर जी। सही क्या बकेट? नहीं, अपन को अनलिमिटेड लावा का स्रोत बनाना है। देखो कभी बनता है कि नहीं, बनेगा। हम दोनों करेंगे सर जी, हम माइनक्राफ्ट में लाएंगे कोई नई चीज। ओके नहीं, मुझे मत इंक्लूड करो ये सब। नहीं नहीं नहीं, अपन अरे अपन दोनों पागलपंती करने के लिए तो आए हैं। आपको पागल बोलेंगे, मुझे नहीं पागल। अरे लोग पहले पागल ही बोलते हैं, जब अपन काम कर देंगे ना साइंटिस्ट लेवल का, जो साइंटिस्ट होते हैं ना लोग, उससे पहले पागल ही बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं शोध की है इसने ऐसा। तो अपन ऐसा एक अनलिमिटेड स्रोत बनाएंगे ना ईशान भाई, इस साइड से पानी डालोगे उस साइड से लावा निकलेगा। वाह भाई वाह, क्या ही मतलब दिमाग गजब गजब। ओ भाई वही तो। अरे यार सोते बेल या चलो किसके साथ सोएगे अभी। ओके बेड तो लगाओ, आपके पास होगा ना आपका। ये मेरे पास अपना खुद का बेड ही है, कैसा बुला रही तुमने। चलो आ जाओ, गुड नाइट प्लीटू। अपना कब सोएगा रे चिमकांडी, प्लीटू सो जा, सो जाओ प्लीज। बेड है ऊपर सदा। किधर गया मेरे बीड, बीड किधर ही मेरा। ऊपर है ऊपर। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। थोड़ी डुबकी। अरे वापस से गई भेस पानी। अरे आप क्या होगा भाई सर, माय हैंड वाज लाइक एक बार भी नहीं गिरा, पता है क्या कि रुका भी नहीं आज। हाँ भाई मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, इसलिए मैं गिर जाता हूँ। अरे ऊपर आना आपको, उधर क्यों जा रहे हो। हाँ तो गाइज अभी रात हो चुकी है और हमारे ऊपर रेड हुआ था, वो काम मैंने खत्म किया। और यहाँ पे ईशान भाई रेड के टाइम पे ना काम कर रहे थे, रेड मैंने पूरी निपटा दी। और सामने की साइड ईशान भाई ने काम कर दिया, और वो काम ऐसा है कि ईशान भाई ने पूरा का पूरा जो काम है ना ऊपर उस साइड पे, ये वाला जैसे ये सिस्टम बना है ना यहाँ पे, सेम टू सेम चीज वहां पे भी बनानी थी। और ईशान भाई ने बोला अज्जू भाई तुम रेड करो, तब तक मैं काम करके आता हूँ। और ईशान भाई ने पूरा का पूरा वहां पे बंदोबस्त हमारे लिए कर दिया है। एक बार के लिए देख लो, ये बन चुका है यहाँ पे, एक साइड वहां पे भी बन चुका है। अभी ना बीच में हमें ना उसके लिए करना होगा काम, क्या बोलते उस चीज को, अगर तुम लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, उस चीज को बोलते हैं TNT। और TNT बीच में लगा वो ना, तुम्हें मैं जब दिखा होगा तुम्हें तब आइडिया आएगा कि वो अच्छा अज्जू भाई तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम इतने टैलेंटेड रातों रात कैसे हो गए ऐसा तुम बोलोगे। बट मैं पहले से ही टैलेंटेड हूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा। तो आ जाओ, भले एग्जाम में मेरे मार्क्स ना आए हो, बट आज इस चीज में मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा आएगा, गिर जाता रे बाबा कांड हो जाता अभी। तो भाई लोग यहाँ पे हमने जो पूरा का पूरा जो कोबलस्टोन फार्म है वो बना लिया है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और मैंने बाकी की सारी चीजें रिकॉर्ड ही नहीं करी, मतलब मेरे को लगा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं बातचीत करे जा रहा हूँ, तो जो आपको आधे तक दिखा ना वो रिकॉर्डिंग था, वो मैंने डाल दिया है, बट बाकी की कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है। और हमने इसके पहले भी एक ट्राई किया था कोबलस्टोन फार्म को वोन करने के लिए, और उसके अंदर लोचा हुआ था कि एक जगह से लावा नीचे गिरने लगा था और पानी भी फ्लो भी सही नहीं था, तो इस बक्से के अंदर नहीं आ रही थी सब चीजें। तो वो वाला चीज मैंने पूरा का पूरा वो पार्टी हटा दिया, मतलब हटाया नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो हटाना ही पड़ा, तो वो चीज हो गई थी। अभी यहाँ पे सिंपल बात है, अभी थोड़ा तुम लोग भी यार भावुक मत हो जाना, क्योंकि पार्टी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं कैसे डालूंगा। तो अभी हमारे साथ है रोनी भाई, अपने एंड्रू बी भाई और ईशान भाई। ईशान भाई मैं चालू करूँ क्या? हम कर दो ना। ओके अरे बस बस अभी सेम लोग पे रहते हैं गाइस गाइस सेम। ओके 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 मैं जा रहा हूँ ऊपर ना, अभी फोन करने वाला हूँ। ओके सॉरी, देखो अभी आ रहा हूँ मैं ओपन करने के लिए। कहाँ पे किया अपना लीवर? ओके मैं ओन करूँ क्या? अरे एक मिनट रुको, मेरे को परफेक्ट व्यू दिखना चाहिए ना ओन करने के बाद। तो अभी रुको एक मिनट को, ये आ गया इधर, इधर से परफेक्ट व्यू आएगा। तो भाई लोग यहाँ पे मैं जैसे ओन करूंगा, अरे यार एक नीचे एक नंबर नीचे ही चला जाता हूँ, क्या बोलते हो? इधर से इधर से इधर से इधर आया, इधर से इधर आया। ओके चलो अब बेस्ट है। तो भाई लोग यहाँ पे देख लो, रोनी भाई वो रे लोग दिख रहे, एंड्रू भी, अरे एक बीच में रोनी भाई आपका मुंह नहीं दिखेगा, एंड्रू भी नहीं दिखेगा, ईशान भाई का सिर्फ दिखेगा। बीच में कोबलस्टोन आ रहा है, एक एक प्लैंक्स नीचे चले जाओ। हाँ एक एक प्लैंक्स क्या बोलते हैं, एक एक डर्ट नीचे चले। ओके ओके रोनी भाई आप दिखने लगे जमीन पे। ओके चलो 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 आ जाओ, बाद में रिएक्शन देना है तुम लोगों को एकदम ओपी वाला। भाई लोग तुम लोग लाइक कर देना है फार्म की मेहनत के लिए, लाइक कर देना। चलो ये तीनों दिखने लगे हैं, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। सब्सक्राइब टू टोटल गेमिंग, ऐसा यार ऐसा मत करो भाई प्लीज यार, 25 मिलियन होने वाला है भाई प्लीज यार, ऐसा मत करो यार। शर्म आती है 25 मिलियन होके 2 मिलियन वाला छीनते हो। नहीं 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 यार भाई लोग, अरे नहीं यार मेरा 25 मिलियन जल्दी जल्दी हो जाएगा, मैं वोन करूँ क्या इसको? कर दो ना
फोन करो रेडियो, आर यू गाइस रेडी? स्टार्ट करो। हेलो, वो वापस से मैंने बंद कर दिया, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी मजाक कर दो ना भाई, कर दिया कर दिया, चलो आया टीएनटी। वेट बेटा, कर दी मौज। भाई मैं बोल रहा हूँ, एक घंटे के अंदर 1,20,000 कोबलस्टोन निकलेगा। अरे 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 कैलकुलेशन, एक घंटे के अंदर 1,20,000 के लिए 3 ज़ॉम्बी के मीट रखे अंदर, ठीक है? चलो मैंने अभी अभी मैं नीचे आ रहा हूँ भाई। ये एपीएस ड्रॉप हो रहा है मेरा गंदा वाला। ओ मेरा नहीं गिर रहा है एपीएस, क्या हुआ? नहीं मेरा एपीएस ड्रॉप हो रहा है, चलो मैं जा रहा हूँ इधर से। वो अच्छा भाई, तुम देखो तो सही, थोड़ा देखो। हाँ अच्छी भाई, आपने यहाँ पे लैडर लगा देते हम लोग। अच्छा इसको टाइम पे चलाना है क्या, ऐसे पूरे दिन नहीं चलाना? तो अरे रोनी भाई तुम क्या कह रहे थे, इसका एक ओवर स्टोन का क्या करना है तुम्हें? मैं कह रहा था कि हम सबको ज्यादा जरूरत स्टोन की है ना कॉबल से, तो एक काम करते हैं इसके नीचे ना एक स्मेल्टर बना देते हैं, जिससे क्या होगा ये जो भी कॉबलस्टोन आ रहा है उसको ऑटोमेटिकली वो स्टोन बना के दे देगा हमें। तो वो काम आप कर देना, वो स्टोन वाला काम आप कर दो, वो बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राउंड बना देंगे इसके नीचे। ओके डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कैसा लग रहा है तुम्हें यार, एक कॉबलस्टोन फार्म मैंने बनाया, देख के कैसा लग रहा है, कुछ कहना चाहोगे? बहुत ओपी सा बना है, एकदम पत्थर ही पत्थर फ्री में। मतलब जाने की जरूरत ही नहीं कॉबलस्टोन के लिए कहीं। मैं तो वहाँ जाके पता है एक गुफा खोद आया था पूरा, मैं गुफा से खड्डा बन चुका भाई, कितना खोदना पड़ता है पता है क्या कोबलस्टोन स्टोन के। वही तो अभी देखो मैंने तुम्हारा कोबलस्टोन इशू भी सोल्व कर दिया है, तो ईशान भाई आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? आई मैं तो बोलूंगा ये एसएमपी की सबसे यूजफुल चीज है आदम फार्म के बाद। यूजफुल ना, वो आयरन फार्म भी मैंने बनाया था, ये भी मैंने और आपने बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया, तो काफी अच्छा लग रहा है हम दोनों को वैसे भी यार। तो भाई लोग इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, रात भी हो चुकी है माइनक्राफ्ट के अंदर, हम लोग सोने के लिए भी जाएंगे। और बाकी तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसको हमें 24 आवर ऑन रखना चाहिए कि फिर इसकी ऑन ऑफ की स्विच नीचे ले लेनी चाहिए, कमेंट कर देना। ताकि देखो यार एपीएस ड्रॉप भी हो रहा है गेम के अंदर, क्योंकि जब टीएनटी नीचे आता है ना तब एपीएस ड्रॉप होता है। और मिलते हैं एक नए लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नए वीडियो के साथ सॉरी। तो तब तक के लिए सबको बाय बाय, होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो चलो मिलते हैं फिर।